सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम अगेन टू अनदर व्लॉग। और आज लास्ट व्लॉग है जंस्कार से। आज हम लोग ये होटल छोड़ रहे हैं फाइनली, दिन ढाई दिन के बाद सब रेडी हो रहे हैं और सुबह के बज रहे 8:30। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से कारगिल। जाना था पहले लेह, मगर वो थोड़ा लंबा हो जाता और इतना बाइक चलाना नहीं है, क्योंकि अब सबको घर याद आ रहा है, शक्तियाँ खत्म हो रही है, क्योंकि शक्तियाँ इन लोग की धीरे धीरे लुप्त तो हो रही है। सो अभी हम लोग बाइक पहले रेडी करेंगे, सामान ऑलमोस्ट रख लिया है यहाँ का, वो रूम में भी रख रहे हैं नीरज और वो लोग। सो अब रेडी हो गए और यहाँ का खर्चा ऑफ सीजन में कुछ ज्यादा ही, हम लोग यहाँ पे रुके एटलीस्ट ढाई दिन या दो दिन ना भाई, दो दिन 20,000 रुपए खाना वाना लेके सब ठीक है। कोई प्लान कर रहा है तो ऑफ सीजन भी आओगे तो भी इतना ही महंगा है। ये सबसे सस्ता होटल था जो हम लोग ने लिया था, गरीबी नीचे, गरीबी रेखा के नीचे, मगर फिर भी 20,000 रुपया घुस गए। सो अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइज उतर गए नीचे और बस गया नाव, मैंने अपना पूरा बांध लिया है, जम्बी बंजी गंजी बैग पूरा पैक कर लिया है, GoPro लगा लिया, गाड़ी थोड़ी गंदी हो गई है। बाकी अपने भाई लोग सब रेडी हो रहे हैं अभी। आकाशिया उधर है, सारी उम्र मजोक बने। सो गाइस आज इन लोगों को कुछ खिला, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, बिस्किट खा लिए, आज स्किप कर दो सीधा डिनर। बिस्किट खा चुके और इन लोग तैयार एकदम लड़ने के लिए, लड़ने के लिए 200 किलोमीटर मापने के लिए। 200 के ऊपर है भाई, 220 35 है कारगिल, कितना है और वहां से वो क्या था, मुझे पता था ये दोनों मिलाना है, हमारा क्या लगाया नदी भर के, क्या लगाया आपके घर में, क्या लगाया। सो गाइस 10 चॉकलेट लिया है, 10 चॉकलेट 10 बच्चों को दूंगा अगर कोई बीच में मिलेगा तो। सो गाइस गुड मॉर्निंग अगेन एंड जय श्री कृष्णा, स्टार्ट कर दिया है ट्रिप और ठंडा थोड़ा लग रहा है, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ किया नहीं है, देखते कहीं रुकेंगे, पहले 50 किलोमीटर गाड़ी खींच लेते हैं उसके बाद रुकेंगे। अब हरे राम राम हरे कृष्णा। हम लोग पहले जाने वाले थे यहाँ से ले, मगर ले लद्दाख ऑलरेडी देखा हुआ तो स्किप कर दिए, और यहाँ से भी 230 या 35 किलोमीटर था जाने के लिए, फिर आने के लिए हम लोग को हो जाता है अप्रॉक्स 550 किलोमीटर्स फॉर द डे या डे एंड हाफ, मतलब डेढ़ दिन में हम लोग कैसे ही वो कवर करते, एकदम भागम भाग हो जाता, इसलिए हम लोग ने स्किप करके अब जो स्किप किया है वो कश्मीर में जाके श्रीनगर में थोड़ा बहुत, अपने पास बाइक तो है ही, थोड़ा बहुत घूमेंगे और मौज करेंगे, ऐसा अभी तक का प्लान किया हुआ है। बाकी मज़ा बहुत आया यहाँ पे जंस्कार में। सो गाइस जंस्कार बाय बाय, थैंक यू फॉर गिविंग बेस्ट मेमोरी, और ये दोस्त लोग साथ में हैं अपने, और क्या ही चाहिए अपने को। बाइक ट्रिप की एक खासियत है कि साथ में बाइक चलाना और साथ में एक दूसरे को केयरिंग दिखाना, आगे पीछे कौन कैसे चल रहा है, सो ये सब थोड़ा मज़ा आता है करने में। और आज सूर्यदेव लग रहा है, अभी तक कुछ अपना स्टार्ट नहीं किए धूप, तो अभी ठंडे ठंडे में हम लोग निकल जाएंगे और अभी शायद 10-12 रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लग रहा है और है थोड़ा ठंडा तो लग रहा है, बट हम लोग ने अभी जैकेट पहना है, उसके अंदर लाइनर है विंटर का, तो ना अपने को लग नहीं रहा, बट हाँ पैर में थोड़ा सा फील हो रहा है। सो ऐसा है अभी तक का अपडेट गाइस। गाइस बच्चे लोग आ गए,
वेट 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 आई हैव चॉकलेट बाय बाय। तो पहला चॉकलेट ये बच्चे लोग को दिया मैंने, अब इसको यहाँ पे डाल लेते, लोग खुश हो गए। ओके चलते, स्कूल जा रहे हैं लोग। झूले हेलो, वेट वेट वेट, आई हैव चॉकलेट, कम कम कम, फास्ट फास्ट। थैंक यू झूले झूले, बाय। हो जुगनी हो पटाखा गुड्डी हो न समय मिल जाए रहे, बच्चे लोग खुश हो गए सुबह सुबह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। अरे यार मेरे पास तो एक ही चॉकलेट ही है, बच्चे दो है। झूले दो है चॉकलेट। ओके बाय बाय। क्या हुआ भाई, ये क्यों रुक गया है? अब सब ऐसे ही रोड आएंगे और क्या ही व्यू है यार। बाय बाय पहाड़, जनस्कार के पहाड़ लोगों को बाय बोल दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारी चार बाइक, एक दो तीन चार देख रहे हो, दूर दूर तक कोई है ही नहीं। तो थोड़ा मजा आता है, नीले आसमान के नीचे चार बाइक और हमारे दोस्त लोग, और क्या ही चाहिए। बाकी काम और कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू चालू है यहाँ पे, पर भाई इन लोग भी बहुत काम करते हैं, इन लोग की वजह से ही इतना प्यारे रोड बन रहे हैं और इतना क्लीन है। सो लोकल और जो भी यहाँ के होंगे नेता वेता, ठीक ठाक है, अच्छी जगह है और अच्छा काम। थम्स अप गाइस। सो गाइस एक घंटे से कंटिन्यू गाड़ी चला रहे हैं, 40 किलोमीटर के आसपास से चलाया गया है, मगर आज यही है
कि मौसम आज बहुत ज्यादा कोल्ड है और ठंडी बहुत ज्यादा लग रहा है अभी तक हम लोग को, मगर फिर भी हम लोग भी चल रहे घंटे में, देखते हैं। सूरज भगवान थोड़ा गायब हो गया और पहाड़ों में पूरा बर्फ देख रहे हो आप लोग, पूरा गिरा हुआ है, तो ठंडी इसकी वजह से भी ज्यादा लग रहे है। बहुत ज्यादा लग रही ठंडी, मैं कैसे ही बताऊं आप लोग को, क्योंकि सूरज भगवान क्या कहा गायब हो गए, सूर्य देव आपको आना पड़ेगा, नहीं तो सब बच्चे लोग जमा हो जाएंगे, क्योंकि कल रात से ही ज्यादा ठंडी था, मैंने देखा था। और क्या है, हम लोग होटल में थे तो पता नहीं चल रहा था, बट अभी क्या ऐसा जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे मौसम और थोड़ा ज्यादा ठंडा लग रहा है हम लोग को। तो हम लोग जब आए थे तो ये सब पहाड़ पर ज्यादा बर्फ थी नहीं, मतलब ना के बराबर ही था, कुछ पहाड़ों पे दिख रहा था, बट अभी ऑलमोस्ट सभी पहाड़ों पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, इसकी वजह से मौसम बहुत ज्यादा कोल्ड हो चुका है। आकाश अभी पीछे बैठ गया, बाइक चला रहा था उसको ठंडी लग रही थी, तो अभी नीरज गाड़ी चला रहा है और वहाँ पर छुटका चला रहा है, आगे राहुल और तुम्हारा भाई चला रहा है वीडियो और व्लॉग्स। फॉग भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है ऐसा, मगर हाँ भाई आज तो ठंडी है, जब से हम लोग आए थे सबसे ज़्यादा आज वाला दिन में ज़्यादा ठंडी है। और यहाँ से अभी कारगिल 180 किलोमीटर है, सो धीरे धीरे चलते हैं और देखते हैं कहाँ हम लोग को धूप मिलती है और कहाँ हम लोग कुछ खाते हैं। बाकी राइड करने में भी मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो वही है, थोड़ा ठंडा ज़्यादा लग रहा है, सूर्यदेव आ जाए तो बराबर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि ठंडी ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे चेंजिंग चालू है, छोटा सरकार जमा हो गया हमारे हाथ एकदम पाथर हो रहा है, हाँ हाथ लाल हो रहा है भाई, मगर वहाँ आगे धूप मिलेगी ऐसा आभास हो रहा है। सो यहाँ पे सब लोग को गाइस ठंडी लग गई है थोड़ा थोड़ा, छोटे सरकार डिवाइन पानी पे चल रहा था बर्फ पे, सब लोग ने भी थोड़ा थोड़ा कपड़ा पहन लिया अंदर इनर, अभी शॉर्ट है, अभी मुझे लग रहा है तुरंत ही धूप सूरज महाराज जाग के निकलने वाले, अभी लोग को गर्मी दे देंगे, अभी ठंडी दे रहे थे 5 मिनट के आगे तुम लोग को गर्मी लगेंगे सूर्यदेव देने। और वहां पर देखो कितना ही भाई, कितना स्नो है यार, बर्फ ही बर्फ, स्नो मिल सकता है आज, बारिश और स्नो तो मिलेगा ही, धूप नहीं है आज, नहीं है नहीं आज धूप है ही नहीं भाई, 10:30 बज रहा है, 10:30 ही हो रहा है, धूप नहीं भाई, डिवाइन पानी पे चलेगा आज, नाटक बाजी दे काम एसडीएम लगाया हूँ सूर्या क्यों हिला डाला था सूर्या आजा सूर्या आजा यार किधर, अरे आ रहा सूर्या है, रे 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 रे, आज तुम लोग ऐसा गर्मी देगा ना कि बम्बू दे देगा, तुम लोग अंदर भीगने लगोगे, पर 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 सूर्य को थोड़ा सा जगह मिला, हल्का सो गाइस हल्का अभी बारिश भी पड़ रहा है, यहाँ का मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, तो अब मेरे को अभी थोड़ा ठंडा भी लगने लगा है, मगर आगे धूप लग रही है, तो बस और कुछ किलोमीटर्स के बाद जंस्कार से निकल जाएंगे तो भी सही है यार। हरे कृष्णा हरे रामा हाथ पूरा ठंडा हो गया है। बारिश नहीं होना चाहिए बस, ना ठंडा तो ठीक है, तो हम लोग को कहीं रुकना पड़ेगा। अभी तक कितना अच्छा लग रहा था मौसम, मगर अभी यही मौसम हमको अच्छा नहीं लग रहा है।
लो आगे धूप दिख रही है। जैसे जितने जल्दी निकल सके वही सही है। सोच रहा हूँ गाड़ी भगाना स्टार्ट कर दूँ। सो गाइस देख रहे हो बीच पहाड़ में ये बना हुआ है व्यू देखने के लिए, और यहाँ पर एकदम ज़्यादा ही बर्फ है यार। हाँ एकदम कोल्ड हो चुका है, देखो, और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। इस बर्फ़ की वजह से हम लोग की लगी पड़ी हुई है। सांस भी ऊपर नीचे हो रही है अभी तो। अरे राम कहाँ गए लोग, कहाँ गए पता नहीं। सो गाइस ठंडी इतनी ज्यादा थी कि अभी हम लोग रुक गए यहाँ पर, ले रहे हैं मैगी खाएंगे और ये चाय मिली। चाय है क्या गरम, थोड़ा दे दो चाय। मत बनाओ जान लो। सकल पे सबके 12 बज चुके थे सुबह ही, बस चलाते चलाते 14 बज गए और वहां खतरनाक रूप था बाहर। हरे कृष्णा कृष्णा। सो गाइज यहाँ से हम लोग ने नाश्ता किया, मैगी खाया और चाय पिया। अब जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे कारगिल। पेट्रोल भी लिया यहाँ पे 150 रुपया लीटर। हाँ हाँ सो ऐसा अपडेट है। सो अभी थोड़ा सा एनर्जी ले लिया है, ठंडा नहीं लग रहा है, मगर हवा इतना ठंडा चल रहा है ना, इसकी वजह से पूरा अंदर का जो एनर्जी वो ख़त्म हो जा रहा है। देखते हैं ये मैगी और चाय हमें कहाँ तक लेके जाती है। सो एक चीज़ अच्छी हो रही है, आगे धूप दिखाई दे रहा है। होप कर रहा हूँ वो धूप मुझे लगे, क्योंकि अब तो चाहिए भाई गर्मी, इतना ठंडा हो गया ना नीचे से लेके ऊपर तक पैर, अरे पैर से लेके सर तक यार, समझो थोड़ो गतिविधियों को समझ लो दोस्तों। सो गाइस एक बुरी खबर, हमारी एक बाइक बंद हो चुकी है। सो आई डोंट नो क्या हुआ है उसे, तो मैं जस्ट पहुंच ही रहा हूँ। ऑलरेडी इतने लोग हैं क्या यहाँ पर। देखता हूँ मैं लोग मिले थे, रनिंग करके चालू किया अभी एक बार भी मिले थे। सो अभी बैटरी बहुत ज्यादा वीक हो गई है और ये भी बंद हो रहा है, क्या क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो अभी का खबर यही है कि बाइक अपनी स्टार्ट नहीं हो रही है, टोक भी किया फिर भी नहीं हो रही है, ये होता है बकचोदी माउंटेन में। ख़राब हो गया तो अब ख़त्म हो गए। मैं भी थोड़ा ट्राई करता हूँ, भगवान प्लीज़ सूर्य देव इतना तो करवा ही दो। आई ट्राई नाउ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।